नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। दुनिया भर में लगभग 50% लोग सिर दर्द की समस्या से सामना करते हैं। कुछ सिर के दर्द काफी मामूली होते हैं, जिन्हें घरेलू उपायों की मदद से ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ सिर दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें ठीक करने के लिए मेडिकल केयर की जरूरत पड़ती है। अगर सिर में दर्द के साथ ही आपको धुंधला दिखना या जी मिचलाना जैसे लक्षण नजर आते हैं, तो आपको डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सर के एक और अचानक से सर दर्द हो और कमजोरी होती है, तो उसे तुरंत इमरजेंसी केयर की जरूरत होती है। अगर आपके भी सर के बाई तरफ दर्द होता रहता है, तो आपको ये लक्षण जानना बेहद जरूरी है। कुछ तरह का सिर दर्द बाई साइड होता है, जिसमें माइग्रेन क्लस्टर सिर दर्द शामिल है। आमतौर पर डॉक्टर सिर दर्द को दो तरह के क्लासिफाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सिर दर्द में दर्द ही मुख्य लक्षण होता है और सेकेंडरी दर्द किसी अन्य कारण से हो सकता है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक और इन्फेक्शन। इसमें सिर दर्द बाई साइड समेत सिर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। माइग्रेन से होने वाले सिर दर्द में लक्षण शामिल है, जैसे कि दृष्टि में परिवर्तन, जी मचलाना और उल्टी, चक्कर आना, लाइट टॉर्च की रोशनी के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना। क्लस्टर सिर दर्द में लक्षण की बात करें तो नाक बहना या ब्लॉक होना, आईलिड्स का गिरना, एक आंख में पानी आना या लाल दिखना, चेहरे पर पसीना आना। स्वाइकोजेनिक सिर दर्द, इस प्रकार का सिर दर्द गर्दन में चोट लगने के कारण भी हो सकता है। स्वाइकोजेनिक सिर दर्द गर्दन के किसी भी हिस्से से शुरू हो सकता है और सर तक जा सकता है। स्वाइकोजेनिक सिर दर्द होने पर आपको हल्का दर्द और डल फीलिंग का एहसास होता है, लेकिन कई बार यह दर्द काफी ज्यादा इंटेंस भी हो सकता है। यह दर्द गर्दन, सिर और चेहरे की तरफ होता है। स्वाइकोजेनिक सिर दर्द के लक्षण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग नजर आ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।